24 News, जज्बा सच दिखाने का। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने खुले पानी में मछलियों को छोड़ा, ताकि खुले पानी में डेंगू मलेरिया के जो मच्छर पनपते हैं उनको मछली खाती हैं। इसलिए ऐसे खुले पानी में मछलियों को छोड़ा जा रहा है, मच्छर पनप ना सके। दिल्ली में डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मुहिम शुरू कर दी है कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के मच्छर को पनपने नहीं देंगे। घरों में ही जाकर चेक किया जा रहा है और ठहरे हुए पानी को बहा दिया जा रहा है, उसमें पेट्रोल को मिला दिया जाए और दवाई मिलाए जाने से इससे मच्छर के पनपने की समस्या भी खत्म हो जाती है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूषा ITI में बड़े तालाबों में मछलियों के बच्चे छोड़े गए, क्योंकि मछलियों को लार्वा पसंद होते हैं और मछलियों को पोषण मिलता है। अगर इस ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं तो इन पानी में मछलियों को छोड़ने से फायदा होगा। एक मछली को लार्वा मिलेंगे खाने के लिए और दूसरा मच्छर नहीं पनपेंगे, जिससे डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया नहीं फैलेगा। इसके लिए MCD इस तरह के कार्य कर रही है और उत्तरी दिल्ली नगर निगम पूरा भरपूर प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार चाहे दे चाहे ना दे, लेकिन दिल्ली की जनता को हम डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया मुक्त करेंगे। और उसी दिशा में ये गंबुजिया मछली छोड़ी जा रही है। तीसरा चरण हमारा चल रहा है इस बार, और हर साल ये हर वर्ष करते हैं। और आप आंकड़े उठा कर देखेंगे, पिछले आंकड़े और आपको खाना, दुनिया भर का जमीन आसमान का फर्क है। अब बहुत गिरावट आई है, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तरी दिल्ली नगर निगम ही कर सकता है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी माननीय महापौर जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जितने भी नेचुरल वाटर बॉडीज हैं वहाँ सब जगह गंबुजिया मछली छोड़ी जा रही हैं। जैसा माननीय महापौर जी बता रहे थे, इनका जो खान पान है वो लार्वा है, और लार्वा को खाती हैं, जिससे कि डेंगू पनपता नहीं है, आगे डेंगू बढ़ता नहीं है। नगर निगम लगातार दिल्ली को डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया से बचाने के लिए अभियान चला रही है। हमारा अभियान जो 25 जुलाई को महाअभियान के रूप में हमने शुरू किया था, आज वो तीसरे चरण में पहुंच गया है। एक तरफ दिल्ली सरकार है जो पानी अपने घर के गमले खाली कर रही है, एक तरफ नगर निगम है जो क्षेत्र में जाकर के लोगों को अवेयर कर रही है, कहीं फॉगिंग करा रही है, कहीं दवाई बांट रही है, कहीं हैंडमिल दे रही है, कहीं कूलर साफ करा रही है, कहीं टंकी साफ करा रही है। और अब इस समय जब कूलर बंद हो गए तो हमारी जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है उन नेचुरल वाटर बॉडीज़ में हम गंबुजिया मछली छोड़ रहे हैं, क्योंकि मछलियाँ जो हमारी ये लार्वा खाती हैं, वो लार्वा खाने से इनकी प्रजनन शक्ति बढ़ती है, ये कई मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो आसपास की जितनी भी आबादी है उस आबादी को डेंगू चिकनगुनिया से बचाने के लिए ये मछलियाँ बहुत कारगर है। होकर यहाँ पर इस बावड़ी में, इस तालाब में फिश छोड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता को मच्छर, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारी पैदा ना हो। Time 24 न्यूज के लिए दिल्ली से राकेश चावला की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।